Hi Angels, welcome to Apna Online School. I hope you all are doing good. So this is a small activity time, मतलब कि एक activity हमें दी गई है जिससे हमें इन ये लोग कुछ सिखाना चाहते हैं. So Angels, let's get started. Activity time. Let's play. चलो खेलते हैं कुछ. Form pairs. मतलब अगर आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं तो 10-10 का पेयर बना लीजिए. जैसे एक ग्रुप में 10 बच्चे, एक ग्रुप में 10 बच्चे. सेकेंड, क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कर लीजिए. नाउ वन ऑफ यू पुट योर फिंगर ऑन एनी लेटर ऑन द ब्लू कार्ड. सो आपका जो वो ग्रुप बना है तो उसमें से एक बच्चा, ओनली वन चाइल्ड विल पुट योर फिंगर, मतलब आपकी उंगली आप ब्लू कार्ड पे रखोगे, कोई भी एक लेटर पे. जैसे कि यहाँ पे आपको ब्लू कार्ड दिया है ना, तो आपको अपने फिंगर, अपनी उंगली एक ही लेटर पे रखनी है, आंख बंद करके रखनी है बिना देखे. नाउ योर पार्टनर विल पुट द फिंगर ऑन एनी लेटर ऑन द पिंक कार्ड. और फिर आपका पार्टनर भी वो सेम चीज करेगा. ओपन योर आईज, फिर अपनी आंखें खोल दीजिए. नाउ ईच वन ऑफ यू हैज वन लेटर ऑफ द अल्फाबेट. अब ऐसे जब ने सारे बच्चों ने ये चीज कर ली अपनी आंखें बंद करके, अपनी फिंगर ब्लू कार्ड पे रख दी, ऑलराइट, उसके बाद क्या करना है, अब सबके पास एक एक लेटर हो गया है ना. ईच पेयर हैज टू लेटर्स. तो एक पेयर जो आपने बनाया था 10 का या 20 का जो भी है, उनके पास दो लेटर हो गया है ना, क्योंकि दो बच्चों ने अपनी फिंगर रखी थी. Write as many words as you can which have both letters you picked. So वो कह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा words बनाइए उन दो letters से जो आपने choose किया था यहाँ पे finger रख के. Alright angels. So मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो pink में दिया है ना, ये vowels बोलते हैं, English के vowels होते हैं ये A, E, I, O, U. सो ये वावल्स होते हैं और ये कॉन्सनेंट्स होते हैं एंजल्स. सो ए ई आई यू के अलावा, ओके, जितने भी लेटर्स होते हैं ना अल्फाबेट्स में, वो सारे कॉन्सनेंट्स होते हैं. तो ए ई आई ओ यू वावल्स होते हैं और बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये सारे कॉन्सनेंट्स होते हैं. तो इन्होंने हमें कहा है कि जो भी लेटर्स, मतलब जो भी टू लेटर्स आपने चूज किए थे उस पे अपन को वर्ड्स बनाने हैं. सो लेट्स सी द वर्ड्स व्हाट दीज चिल्ड्रन हैव मेड. एस आई टी सिट, एफ आई एस एच फिश, आई एस इज. सो ये जो दो पैर है उन्होंने बनाए ये सारे वर्ड्स, क्योंकि शायद उनको ये वर्ड्स मिले होंगे इसके लिए. नेक्स्ट, जी ओ ए टी गोट, डी ओ जी डॉग, एफ आर ओ जी फ्रॉग. तो ये जो पैर बनाया है दो बच्चों का पैर, उन्होंने ये सारे वर्ड्स बनाए हैं. ऑल राइट, नेक्स्ट, बी ए टी बैट, टी ए एल एल टॉल, टी ए बी एल ई टेबल. ओके, नेक्स्ट, नाउ दे आर टेलिंग अस थिंक एंड आंसर. सोच के बोलो, सोच के जवाब दो. अब ये दे आर टेलिंग अस कि टीचर क्या बोल रही है, चिल्ड्रन क्या बोल रहे हैं. ओके, टीचर, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग टीचर. नाउ टीचर इज सेइंग व्हाट इज योर नेम. सो टीचर ने एक बच्ची से पूछा व्हाट इज योर नेम. सो उस बच्ची का नाम है तेजल. तो उस बच्ची ने कहा माय नेम इज तेजल. फिर टीचर ने पूछा व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम. टीचर ने पूछा आपके नाम का फर्स्ट लेटर कौन सा है, मतलब आपका नाम कौन से लेटर से स्टार्ट होता है. तो व्हाट डिड तेजल से, लेटर टी, टी फॉर तेजल. टीचर ने कहा, टीचर ने पूछा व्हाट इज द लास्ट लेटर ऑफ योर नेम. आपका ये जो नाम है उसका लास्ट लेटर, मतलब आपका नाम कौन से लेटर पे फिनिश होता है. सो तेजल ने कहा आ एल, तेजल.
L. Teacher, how many letters are there in your name? तो टीचर ने तेजल से पूछा, आपके नाम में कितने लेटर्स हैं? चलो बच्चों काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5. तो तेजल ने कहा 5. टीचर, टेल एनी वर्ड दैट बिगिंस विद द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम. टीचर ने तेजल से कहा, टीचर ऐसा कोई वर्ड बताओ तेजल जो टी से स्टार्ट होता है, जो लेटर टी से स्टार्ट होता है. सो तेजल ने कहा, टी फॉर टाइगर. राइट एंजल्स, सो ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटी गेम है जो आप किसी के साथ भी खेल सकती हैं. आप अपने मम्मी पापा के साथ भी, यू कैन प्ले विथ योर मम्मी पापा, और यू कैन प्ले विथ योर ब्रदर सिस्टर, यू कैन प्ले विथ योर फ्रेंड्स. सो इन दिस वे यू विल लर्न मैनी मैनी वर्ड्स, है ना एंजल्स. अब बहुत सारे वर्ड्स सीख जाएंगे. इनफैक्ट जो आपकी फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ था ना, ये सारे वर्ड्स है ना, तो ये भी इतने सारे वर्ड्स हैं, 12 वर्ड्स हैं. अगर आपने इसको भी सोचा, इसके बारे में भी सोचा, या फिर अगर आपको ये सारे लेटर्स मिले तो आप बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं. और ऐसे भी वर्ड्स हैं जो आपके घर में भी आपको मिल जाएंगे. सो डू ट्राई टू लर्न न्यू वर्ड्स फ्रॉम दिस एक्टिविटी. बाय फॉर नाउ.